तो गाइस हम लोग जो है मोजो लैंड आए हैं, ठीक है। अपने व्हीकल से आ रहे हो ना, जैसे स्कूटी वगैरह गाड़ी वगैरह से। तो यार यहाँ पर पार्किंग जो है ना वो फ्री है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार रूट बता देता हूँ कि आप मोजो लैंड जो है कैसे आ सकते हैं। अगर यार आप लोग बस वगैरह से आ रहे हो तो ISBT से आ सकते हो। आप एक बार अपना नंबर दे दोगे क्या प्लीज? इसके बिना जो है ना आप लोग की एंट्री नहीं होगी। बाकी यार मैंने शूट वगैरह से पहले आप लोग देख सकते हो, मतलब फुल यार ठंडी है, मतलब -10 डिग्री, समझ रहे हो। एंट्री कर रहा हूँ मैं, वेलकम लिखा हुआ है, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, मजा आएगा। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आज कहीं जाने वाला हूं, तो मैं अभी आप लोगों को वीडियो में तो नहीं बताऊंगा कि मैं कहां जा रहा हूं। बाकी आप वीडियो में बने रहना। बाकी आपके माइंड में कोई अगर थॉट्स आइडिया है कि मैं सपोज कहां जा सकता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि मैं कहां जा रहा हूं। बाकी मतलब वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों अभी मेरा भाई आ गया स्कूटी पे, तो आज मैं और मेरा भाई हम दोनों जाने वाले हैं, मतलब फुल मस्ती करेंगे। बाकी जगह तो मैंने आपको बताई नहीं, वो सस्पेंस और सरप्राइज रहेगा। तो भाई शिवांकर क्या हाल है? मजा आएंगे बहुत गाइस, वीडियो पूरी देखना। देख रहे हो भाई, भाई अभी से एक्साइटेड है। तो भाई चलते हैं, मस्ती करेंगे फुल, ठीक है। सो दोस्तों हम जो है निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है जहांगीरपुरी गेट नंबर 1 पे खड़े मेट्रो स्टेशन के नीचे। तो यहाँ पे आपको है ना एक भैया मिल जाएंगे जिनसे अभी हमने टिकट लिया है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि पहले मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ अपनी। भाई ये हमारी टिकट है, ठीक है, ये रही। तो ये टिकट लिए अभी हमने। तो बाकी मतलब आप लोग है ना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। ऑनलाइन करने के लिए ना आपको डिटेल्स भेजनी पड़ेगी, बाकी जो ऑफलाइन है आप लोग को ऑफलाइन पे टिकट मिल जाएगी, ठीक है। तो बस अभी हमने टिकट लिए जस्ट, ठीक है, ये हमारी टिकट आ गई है। अब हम बस निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों आपकी है ना पेटीएम से बात नहीं बनेगी, मतलब आपको ना यार कैश लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चेंज ज़रूर लेके आना, तभी भैया टिकट देंगे। मतलब हम लोग भी सोच रहे थे यार पेटीएम से हो जाए काम, लेकिन हमें भी कैश ही देना पड़ा। तो वहाँ पर भैया बैठे हैं, जो ये पेड़ है ना इसके बिल्कुल बैक साइड पीछे। तो बस चलो लेट स्टार्ट भाई, चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी हमने जो है ना अपना हाईवे पकड़ा है। लोग सोचेंगे कि यार पहाड़ है, लेकिन ये ना पहाड़ की तरह दिखने वाला कूड़े का ढेर है। मतलब देख रहे हो इतना कूड़ा करते हैं यार हम सभी लोग मिल के। अभी हम लोग जो हैं अभी हाईवे पे रुके हैं, तो अभी थोड़ी देर ब्रेक लेके 2 मिनट का फिर चलते हैं। अब बस 1 किलोमीटर हो रह गया है, और अभी हम पता कहाँ खड़े हैं ये आप लोग को दिखा देता हूँ मैं जूम करके। जस्ट चिल वाटर फन पार्क है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड खड़े हैं हम हाईवे। भाई वो देख रहे हो अमृत सुखदेव, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। तो भाई हम जो है मुरथल के टोल प्लाजा पे पहुंच गए हैं, ये देख लो भाई ये टोल है, ठीक है। अभी हम यहाँ से बस क्रॉस हो रहे हैं यहाँ से निकलते हुए। सो फाइनली गाइज हम लोग जो है जहाँ पे हम लोग आने वाले थे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। काफ़ी देर मैंने सस्पेंस और सरप्राइज बनाए रखा आप लोगों के लिए कि मैं कहाँ आने वाला हूँ। तो गाइज हम लोग जो है मोजो लैंड आए हैं, ठीक है। सो ये जो है मोजो लैंड के बाहर का व्यू है, आप लोग देख सकते हो, ये हमारा मोजो लैंड है। यहाँ से एंट्री है, ठीक है, और
यहाँ पे आप लोग है ना अपनी गाड़ी वगैरह व्हीकल्स वगैरह लेके आओ तो यहाँ पे है ना आप लोग पार्किंग वगैरह लगा सकते हो। सो दोस्तों आप लोगों को एक फ़ायदा और बता दूँ, यहाँ पे ना जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह मतलब आप लोग जैसे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बाकी अपना जैसे अपने व्हीकल से आ रहे हो ना जैसे स्कूटी वगैरह गाड़ी वगैरह से तो यार यहाँ पर पार्किंग जो है ना वो फ्री है, तो पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप लोग के लिए एक ये बेस्ट ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार रूट बता देता हूँ कि आप मोजोलैंड जो है कैसे आ सकते हैं। अगर यार आप लोग बस वगैरह से आ रहे हो तो ISBT से आ सकते हो, जो अपने हवेली है ना मुरतल वाला जो हाईवे है, ठीक है, यहाँ जो ढाबा है उससे करीब आधा किलोमीटर कुछ आगे डिस्टेंस पे है, और बाकी मेन हाईवे पे ही पड़ेगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ज़्यादा कहीं अंदर जाना है तो मेन हाईवे पे पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग अपने ट्रांसपोर्ट से आते हो बाइक वगैरह से या गाड़ी वगैरह से तो आपके पास एक गुड ऑप्शन है कि मतलब आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बस यही लोकेशन है, आप लोग आओ यार एंजॉय करो, बाकी हम जो है आप मतलब आ जाना फुल मजे करने वाले हम सभी, ठीक है। तो आपको सारी राइड्स वगैरह दिखाऊंगा जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं गेम्स वगैरह, ठीक है। तो चलो चलते हैं अंदर एंट्री लेते हैं। बाकी एक बार मैं आपको टिकट के बारे में और बता दूँ भाई, आप लोग को जैसे मैंने बताया था ऑफलाइन और ऑनलाइन का सिस्टम है, तो जैसे ऑनलाइन करोगे तो अपनी जो है ना डिटेल्स वगैरह आप लोग शेयर कर देना, एक मैं आपको ना नंबर अपनी वीडियो में दिखाऊंगा डायरेक्ट करके कुछ नंबर है, ठीक है, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग अगर उससे कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको है ना टिकट के बारे में सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं, बाकी ऑफलाइन भी ले सकते हो आप लोग, जैसे मैंने बताया था जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जो भैया थे, तो टिकट लेके मतलब जो प्राइस है यार मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि प्राइस के बारे में मैंने जिक्र ही नहीं किया, तो प्राइस यार 600 है पर पर्सन, ठीक है। उसके अंदर अपना सारी एक्टिविटीज़ वगैरह है, मतलब जैसे कि लाइक आपको अंदर जो है ना 3 एक्टिविटीज़ मिलेंगी, जैसे कि एक वाटर पार्क भी है, एडवेंचर पार्क है और एक स्नो पार्क है, तो तीनों में से आपको 2 चूज़ करना पड़ेगा, कोई 2 एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हो 600 में पर पर्सन, चाहे आप स्नो पार्क करो कवर, चाहे वाटर पार्क, चाहे फिर आप अपना एडवेंचर, ठीक है। तो हम लोग भी 2 कवर करेंगे, बाकी अभी नहीं बता रहा, अंदर चलेंगे तब मजे करते हैं। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ के प्राइजेस वगैरह दिखा देता हूँ भाई, ये आप लोग देख सकते हो, ये पार्क्स हैं, वाटर पार्क है, एडवेंचर पार्क है, स्नो पार्क है, और कुछ कॉम्बो वगैरह भी हैं जो आपको दिख रहा होगा, ब्रैकेट में 2 पार्क्स और 3 पार्क्स लिखा है, मतलब ये कॉम्बो है। तो जो वाटर पार्क है ना मतलब अलग अलग इनके प्राइजेज है, जैसे चाइल्ड, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है और एडल्ट्स के लिए क्या है, और जैसे कॉम्बो लेते हो आप 2 मिलके, ठीक है, तो 800 का पड़ेगा। और बाकी ना वो एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे आपका बर्थडे वगैरह है ना यार, आप लोग सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो इंक्लूसिव 18% GST लिखा है और नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है, बर्थडे फ्री है ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड ID प्रूफ, मतलब अपनी ID वगैरह लेके आना, तो उससे आप लोगों को मतलब बर्थडे मनाने में भी कोई इशू नहीं होगा।